देवास जिले के हाट पिपरिया में भी चुनावी समर परवान चढ़ रहा है। यहाँ कांग्रेस के स्टार प्रचारक हवाई मार्ग से पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया हेलीकॉप्टर से लगभग 4:30 बजे हाट पिपलिया मेला ग्राउंड में बनाए गए हेलीपैड पर उतरे। यहां से वे मंच पर पहुंचे और चुनावी सभा को संबोधित किया। सिंधिया ने यहां हाट पिपलिया विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज चौधरी के समर्थन में वोट मांगे। सिंधिया ने कहा कि एक है मोदी जी, एक यूपी में योगी जी और मध्य प्रदेश में ढोंगी जी का राज है। कांग्रेस के मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवराज सरकार पर कई आरोप भी लगाए। सिंधिया ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा दरअसल सर्वे यात्रा थी, जिसमें दिन में भ्रमण और रात में अवैध उत्खनन होता था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश में अब अर्जी से चलने वाली सरकार नहीं बल्कि जनता की मर्जी से चलने वाली सरकार होगी। यहां पर जो ऐतिहासिक भीड़ हुई है, ऐतिहासिक सब साथी लोग आए, उनका कोटि कोटि हृदय से दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उनसे निवेदन भी करता हूँ कि उनका इतने आशीर्वाद और सहयोग मुझे 28 तारीख को भी चुनाव के समय पंजे पर मोहर लगाकर मिले, यही उनसे निवेदन करता हूँ। दोपहर न्यूज के लिए हाट पिपलिया से सुरेश प्रजापति की रिपोर्ट।